तभी सेकंड पार्ट पर आना अब चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट अगर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए शुरू करते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग दब एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड स्टरस मैलिएबल डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सारी एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज हमने पार्ट वन में की थी उन एक्टिविटीज के आधार पर हम इतना तो कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं सख्त होते हैं लस्चरस चमकदार होते हैं मैलिएबल मतलब उन्हें हम सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डकटाइल मतलब उन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सोनरस मतलब वो बजते भी हैं ठीक है जैसे मंदिर का घंटा हो गया एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और वो अपने बॉडी से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं ये ऐसे मटेरियल्स द मटेरियल्स विच जनरली पोजेज दिस प्रॉपर्टीज ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है जो ऊपर दिया गया है जिसको हमने अंडरलाइन किया है जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन कॉपर एल्यूमिनियम कैल्सियम मैग्नीशियम एसेट्रा अब मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं लोहा हो गया तांबा हो गया एल्यूमिनियम हो गया कैल्सियम मैग्नीशियम और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं इन कॉन्ट्रास्ट और इसके जस्ट विपरीत मटेरियल्स कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कि कोयला हो गया सल्फर हो गया आर सॉफ्ट ये थोड़ा सा मुलायम होते हैं एंड डल इन अपियरेंस और दिखने में थोड़ा सुस्त सा दिखते हैं मतलब चमकदार नहीं होते हैं दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर और अगर इन पे हथौड़ी से वार किया जाए तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे दे आर नॉट सोनर ये बजते नहीं हैं और अपने बॉडी से ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं होने देते मतलब ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के दीज मटेरियल्स ऑर कॉल्ड नॉन मेटल्स ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं नॉन मेटल्स कहते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर कार्बन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नॉन मेटल्स के हाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया ऑक्सीजन हो गया फॉस्फोरस हो गया और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं अब इस ये जो यहाँ पर पिंक कलर में बॉर्डर में करके दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से सुनना मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया वो मुलायम होते हैं और उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं मरकरी मरकरी एक ऐसा मेटल है मरकरी इज द वनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसको अगर रूम में रख दिया जाए जो रूम का हमारे तापमान होता है जो नॉर्मल तापमान होता है उसमें मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है दीज आर एक्सेप्शन ये तीनों जो मेटल्स हैं सोडियम पोटेशियम और मरकरी ये मेटल्स की प्रॉपर्टी को तो फॉलो नहीं करते ये सख्त भी नहीं होते ये साइनी भी नहीं होते लेकिन ये फिर भी मेटल्स कहलाते हैं ये अपवाद हैं ठीक है फोर पॉइंट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं नॉन मेटल्स अब हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमने अब तक देखा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है

which rust is formed. अब उसको तुम्हें फिर से याद करना है कि कैसे जंग लगता है कौन सा केमिकल इक्वेशन उसमें फॉलो होता है उसको तुम्हें याद करना है मैं बताता हूं कौन सा केमिकल इक्वेशन होता है उसमें यू हैड ऑल्सो इन क्लास सेवन तुमने क्लास सेवन में एक्टिविटी परफॉर्म की होगी हालांकि मुझे पता है आपने पढ़ा नहीं होगा इसीलिए मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि आपने क्लास सेवन में मैग्नीशियम रिबन को हवा में बर्न करने वाली एक एक्टिविटी देखी होगी लेकिन याद नहीं होगा उसके बारे में बताता हूं यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस मतलब जो दोनों प्रक्रिया होते हैं जो लोहे में जंग लगना रस्टिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर ये दोनों प्रोसेसेस में क्या होता है ऑक्साइड फॉर्म होता है ऑक्साइड मतलब ये जब इनका जो रिजल्ट आता है ये देखिए नीचे जो आयरन ऑक्सीजन और वाटर में रिएक्शन हुआ है इसमें देखिए जो इसका रिजल्ट आया है एफ टू O3 इसमें भी ऑक्साइड फॉर्म हुआ है जो नीचे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है इसमें भी MgO

ओ बनाता है समझ गए मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं अब एक्टिविटी 4.3 हम करेंगे इसको मैं हल्का फुल्का बता देता हूं इस एक्टिविटी में टोटल है क्या लेटेस्ट चेक हमें चेक करना है हमें पता करना है कि जंग जो होता है रस्ट जो होता है वो एसिड होता है कि बेस होता है ठीक है इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कलेक्ट स्पून फुल ऑफ रस्ट तुम्हें एक चम्मच जंग जंग मतलब आप समझ रहे हो कहीं भी कोई लोहा आपका अगर जंग लगा हो उसमें तो उसको जब आप पीटोगे तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े टुकड़े निकलेंगे वैसे ही आपको एक चम्मच रस्ट मतलब कि जंग अपने चम्मच में लेना है उसके बाद क्या करना है थोड़ा सा पानी भी लेना है क्या करना है उसको एक बीकर में पहले रस्ट डालो फिर पानी डालो बीकर मतलब समझ लो ना ये जो लंबा वाला ये बीकर है पहले तुम रस्ट डाल दो उसमें फिर पानी डाल दो उसको सेक करो देखो हमें टेस्ट क्या करना है टेस्ट द सोल्यूशन अब जो सल्यूशन बनता है किसका किसका जंग का और पानी का रस्ट का और वाटर का जो सल्यूशन बनता है हमें चेक करना है रेड लिटमस पेपर से कि लिटमस पेपर से एक्चुअली हमें चेक करना है कि वो एसिड है कि बेस है तो मैं आपको बता दूं जो जंग होता है अगर उसमें हम वाटर डाल देते हैं तो उसका जो सल्यूशन होता है ना वो बेसिक आता है मतलब बेस होता है क्योंकि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है जहां भी हमें ब्लू में आ जाए तो ब्लू का मतलब ही होता है बेस ठीक है रे आ, और रेड का मतलब क्या होता है एसिड लाल घंटी खतरे का निशान होता है ना वैसे ही रेड का मतलब एसिड ठीक है आगे चलते हैं हम ये हमारी एक लड़की है डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड ये पूछ रही है कि क्या कॉपर में भी जंग लगता है क्या तांबे में भी जंग लगता है अब ये आगे कह रही है कि मैंने देखा है कि तांबे का जो बर्तन होता है उसमें हरे हरे कलर का कुछ लग जाता है वो क्या होता है ये पूछना चाहती है तो आगे हम ये जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है इसमें हम पढ़ेंगे अ कॉपर वेसल जब भी तांबे का जो बर्तन होता है उसको हम खुले हवा और यस yes, खुले एयर मतलब कि मॉइस्ट एयर के साथ जो नमी होती है ऐसी हवा जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी की भी मात्रा होना अगर उसमें हम अपने कॉपर के बर्तन को रख देते हैं ना लंबे समय के लिए इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग इसमें हरे कलर का एक लेयर पड़ जाता है द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट अब ये जो तांबे के बर्तन में जो हरे कलर का जो लेयर पड़ता है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है सीओ ओ एच टू और दूसरा कॉपर कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है सीओ सीओ सी यू सीओ थ्री रिएक्शन कौन सा होता है ये देख लो कॉपर वाटर सीओ टू प्लस ओ टू इतने को मिला के हमारा रिजल्ट आता है सी यू ओ एच टू मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 सी ओ थ्री मतलब कॉपर कार्बोनेट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन एक बार फिर से याद करिए जब आपने मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया था मतलब एम जी मतलब एम जी ऑक्सीजन हवा मतलब ऑक्सीजन ना एम जी प्लस टू गिप्स एम जी ओ यही रिएक्शन को आपको याद करना था मैंने आपको बता दिया द एस ऑपटेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वॉटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर अब हमें क्या करना है जो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसका जो राख निकलता है उसको हमें पानी में क्या करना है घोलना है और टेस्ट करना है लिटमस पेपर से कि ये एसिड है कि ये बेस है चलो मैं आगे बताता हूं इज द सल्यूशन एसिडिक और बेसिक हमें पता करना है कि जो मैग्नीशियम रिबन के जलने से जो हमारा राख होता है उसको हम अगर पानी में मिलाते हैं तो एसिड मिलता है हमें कि बेस मिलता है हम ये कैसे पहचानेंगे हाउ डू यू असट

पर बेसिक निकला था यहां जो हम मैग्नीशियम रिबन वाला रिएक्शन कर रहे हैं यहां पर भी बेसिक निकल रहा है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मेटल मेटल कोई भी मेटल अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो हमेशा हमें क्या देता है बेस देता है फिर से जान लो क्या देता है बेस वही यहां पर लिखा गया है कि इन जनरल आम तौर पे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में ठीक है लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन अब हमें पढ़ना है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तब क्या देते हैं एसिड की बेस हमने अब तक देखा जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं बेस देते हैं अब हमें देखना है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तब क्या देते हैं वो यहां पे एक एक्टिविटी है 4.4 इसमें क्या लिखा गया है आपके टीचर ये एक्टिविटी करवाएंगे वही लिखा गया है यहां पर टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर आपको क्या लेना है सल्फर का पाउडर लेना है उसको डीफ्लेग्रेटिंग स्पून यहां पर मैं फिगर देखो एकदम ध्यान से मैं आपको बता देता हूं करना क्या है ये जो आपको स्पून दिख रही है ना देसी भाषा में ये जो चम्मच दिख रही है आपको इस चम्मच में देख रहे हो येलो कलर का सल्फर पाउडर है आपको उसे गरम करना है और गरम करके एक ऐसा जो दिख रहा है ना ये ग्लास का जो बर्तन दिख रहा है आपको बड़ा सा इसमें वो चम्मच जब सल्फर जलने लगे सीधा आपको वो चम्मच उठा के इस बर्तन में डाल देना है फिर ढक्कन बंद कर देना है कुछ समय बाद आपको ये जो लिड है ऊपर की जो ढक्कन है उसको निकालना है ढक्कन चेंज करना है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है उसके बाद आपको क्या करना है अब टेस्ट करो अब आपको लिटमस पेपर उसमें डालना है और चेक करना है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन का जो कंबिनेशन है वो एसिड है कि बेस है जब हम इसमें लिटमस पेपर डालेंगे ना तो हमें पता चलेगा ये तो एसिड है ये रिएक्शन यहां पर दिया गया है सल्फर एसिड SO2 टू ठीक है इसको जब हम एच टू ओ से मिलाएंगे तो ये एस टू थ्री मतलब हमें एसिड देगा ठीक है समझ गए कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमने यहां तक जाना कि नॉन मेटल्स जब हमारे वॉटर के कांटेक्ट में आते हैं ठीक है तो वो क्या देते हैं हमें हमें एसिड देते हैं

कौन से नॉन मेटल से बना है वो यहां पर लिख देना है आपको ये टेबल का जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में दे दूंगा कोई टेंशन ना लो समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करो मैं आपको फिर से बताता हूं इस टेबल के बारे में पर्टिकुलरली बाकी आपको पूरा समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां पर बताया गया है कि जब हम सल्फर को वही ऊपर वाला जो रिएक्शन मैंने यहां पे बताया था ना वही यहां पर भी बता रहा है नीचे कह रहा है कि जब हम सल्फर को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मतलब एस टू थ्री समझ गया ना चलो ये रिएक्शन का नाम यहां पर दे दिया है इसने कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है जब SO2 और H2O मिलता है तो H2SO3 देता है एसन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्ड इन वाटर सल्फर एसिड इज फॉर्मड मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब सल्फर जो कि नॉन मेटल है जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो हमें क्या देता है एसिड देता है ठीक है द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड और अगर जब हम चेक करेंगे इसके रिजल्ट को जो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से जो बना है इसको जब हम चेक करेंगे लिटमस लिटमस पेपर पेपर से तो हम देखेंगे ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है मतलब रेड का मतलब खतरे की घंटी खतरे की घंटी मतलब एसिड समझ गए ना जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर तो हमें इन सारी चीजों से पता चलता है कि कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के कॉन्टेंट में आता है तो वो एक एसिड बनाता है एसिडिक इन नेचर हो जाता है ठीक है रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड अब आपको क्या करना है आपके लैब में जो भी एसिड रखे गए हो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया इन सब एसिड्स को और कुछ बेसिस का नाम लिखना है नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4 मैंने जो आपको बताया कि टेबल 4.4 में क्या करना है आपको कुछ बेस का नाम लिखना है कुछ मेटल का सॉरी कुछ एसिड का नाम लिखना है और क्या करना है आपको आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन आपको पता करना है कि जो ये एसिड्स हैं ये कौन से नॉन मेटल से बने हैं और ये जो बेसिस हैं वो कौन से मेटल से बने हैं तो वो मैंने आपको पहले यहां पर बता दिया था आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो आगे का चैप्टर का जो पोर्सन बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आई होप आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया हो तो यार वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि आपके जैसे ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हेल्प की जरूरत है जिनको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है लेकिन उन्हें मिल नहीं पाती है तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद